तो दिलबर नेगी की जिस बिल्डिंग में हत्या की गई, जी मीडिया की टीम उसी बिल्डिंग में पहुंची। बिल्डिंग पूरी तरह से जल चुकी है और दिलबर के कमरे में कई पत्थर आज भी देखे जा सकते हैं जो दंगाई वहां लेकर पहुंचे थे। उत्तराखंड के पौड़ी का रहने वाला दिलबर आया तो था दिल्ली में कुछ पैसे कमाकर अपने जीवन को बेहतर करने, लेकिन क्या जानता था कि एक दिन नफरत की आग का शिकार बन बैठेगा। दिलबर नेगी दिल्ली के शिव विहार में एक स्वीट हाउस में काम करता था। 24 फरवरी के दिन वो रोजाना की तरह अपनी दुकान में था और लंच करने अपने कमरे तक गया था, तभी दंगाई आए और उसको ऐसी मौत दी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। ब्रिजपुरी का यही अनिल स्वीट हाउस है जहां पर दिलबर नेगी की जली और कटी हुई लाश मिली थी। इस स्वीट हाउस को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया था और सेकंड फ्लोर तक दंगाइयों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। इस स्वीट हाउस की हालत देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आगजनी और तोड़फोड़ इस बिल्डिंग में की गई है। इसके बाद यहाँ पर जो दिलबर नेगी था सेकंड फ्लोर पे, उसे दंगाइयों ने पहले उसके हाथ के टुकड़े किए, उसे उसके बाद आग के हवाले कर दिया। आपको दिखाते हैं इस बिल्डिंग के अंदर पूरा, जो नीचे से लेकर ऊपर तक हर तरफ जले हुई चीजें ही देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से इस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया था, आग के हवाले कर दिया था। ये हर फ्लोर पर आप देखेंगे जो फर्नीचर था उसे आग के हवाले कर दिया और इसके अलावा जितना भी सामान इसके अंदर था उसे जला दिया गया था। दिलबर जिस दुकान में काम करता था, दंगाइयों ने उस बिल्डिंग पर पहले कब्जा किया, फिर दूसरे फ्लोर में मौजूद दिलबर के हाथ पैर काट कर उसे जिंदा जला दिया। ये कमरा है जहाँ पे दिलबर नेगी रहा करता था, उसे भी आग के हवाले कर दिया। और ठीक इस जगह पर, ये जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिलबर नेगी की जली हुई और कटी हुई लाश मिली थी। ये पत्थर आप देख सकते हैं, ये भी दंगाई अपने साथ लेके आए थे। ये सब 24 फरवरी की बात है, करीब शाम को 3 बजे जो दंगाइयों की भीड़ है वो पत्थर मारते हुए, सब कुछ तोड़ते हुए, कैमराज तोड़ते हुए वो सब लोग आ रहे थे। पूरा शोर हो रहा था, हमने अपनी दुकानें बंद करी, हम दुकानों में ही बंद रहे हैं 1.5-2 घंटे। और वहाँ से जब निकले हैं तो देखा कि हमारे इस पे बराबर वाली छत से लोग चढ़े हुए हैं, बहुत सारी पब्लिक है जो कि वो सब लोग चढ़े हुए हैं और यहाँ से पत्थरबाजी कर रहे हैं। उस टाइम दिलबर नेगी यहीं पर फंसा हुआ था, वो बहुत डरा हुआ था, उसने अपने गाँव के एक लड़के को फ़ोन किया है और फ़ोन करके बताया कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। तो उसने उसे ये कहा कि तू जैसे भी मौका मिले यहाँ से निकल जाइयो। तो शाम को 5 बजे तक उससे बात होती रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, रो भी रहा था और उसके बाद उसका फ़ोन जो है वो बंद हो गया। शहनवाज और उसके साथियों पर आरोप है कि इसी बिल्डिंग में घुसकर उन्होंने दिलबर के साथ इस दरिंदगी को अंजाम दिया। दिलबर के साथ जो हुआ वो सब आज इस बिल्डिंग के हालात बयां कर रहे हैं। अगले दिन 26 तारीख सुबह जब यहाँ माहौल थोड़ा शांत हुआ, आर्मी आ गई, उसके बाद जब हम अपनी बिल्डिंग को देखने आए हैं तो हमें यहाँ पर दिलबर नेगी की जली हुई लाश मिली। लाश सिर्फ जली हुई थी या उसके साथ और भी? उसके साथ बर्बरता की गई थी, उसके हाथ पैर नहीं थे, हाथ पैर काटे हुए थे जो कि उसके हिस्से हमें अलग जगह जले हुए मिले। अपने घर के बेटे की मौत पर उनके गांव पौड़ी में मातम पसरा है, माँ का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार समझ नहीं पा रहा कि आखिर उनके बेटे का कसूर क्या था जो उसके साथ ऐसी हैवानियत की गई। सर बिल्कुल, यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल इसे हाईजैक किया हुआ था, पूरे सब लोग दरवाजे तोड़ के ताले तोड़ के इस बिल्डिंग पे चढ़े हुए थे, क्योंकि ये ऊंची बिल्डिंग थी और सामने से वो लोग दूसरे पक्ष को टारगेट कर सकते थे, तो वो उन्होंने किया यहाँ से। और उसके बाद उन्होंने 9:30-10 बजे रात को करीब यहाँ पर आग लगा दी 24 तारीख में, दिलबर को मारने के बाद। दिलबर का शव पुलिस को 26 फरवरी को बरामद हुआ था। जब शव बरामद हुआ था तो वो बुरी तरह जला हुआ था, जिसके बाद से ही SIT दिलबर के हत्यारों की तलाश में जुट गई थी। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।